श्रीमकरन्दाय भक्तजनमानसविलासाय श्रीदानचन्द्राय वागीशाचस्य वदने लक्ष्मीर्जस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये शम्भीतं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादिन्नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री रूपाल भट्ट दास रघुनाथ। ये छै गुसाई करि चरण वंदन जानित विघ्ननाशभीष्ट गुरुं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। श्रीमन नित्यानंद प्रभु की जय। श्री अद्वैत प्रभु की जय। श्री गदाधर प्राणनाथ की जय। सुभाष पंडित की जय। सकल आचार चरण की जय। ब्रज रानी राधा रानी की जय। श्री लाडली लाल की जय। श्री प्रिया प्रियतम की जय। श्री श्री वीरेंद्र बिहारी बिहारिणी सरकार की जय। श्री पंडित बाबा जी महाराज की जय। जय श्री राम जय जय श्री राम विदाई हो हरि। परम मंगलमय अकारण करुणा गुणालय श्री गौरांग महाप्रभु की महती अनुकंपा से गुलाब पुष्पांजलि के माध्यम से सत्संग का सौसत प्राप्त हुआ है। गुलाब पुष्पांजलि श्लोक संख्या 53 आराति केण भवतिं किं देव देविं निर्मक्षैत्यतितरां ललिता प्रमोदात् अन्यालयस्य नवमङ्गलगानपुष्पै प्राणार्बुदैरपि कचैरपि दाशिकेयम्। श्री आचार्य चरण कल जी के तांबुल सेवा के बाद आरती, भोग लगाने के बाद तांबुल दिया जाता है। तांबुल के बाद मंजरियां ही सेवा की परिपाटी करती है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी हम लोगों को यह सिखला रहे हैं कैसे प्रिया जी की सेवा की जाती है। सेवा के साथ कितना भारी अनुराग है प्रिया जी के चरण कमल के प्रति, और तद्भाव भावित होकर के प्रिया जी की एक एक सेवा का कहते हैं हे देवी। देवी कहते हैं जो दिव्योत्मा गुण बिल्कुल जो चमकती रहे, स्वर्ग की देवियां बिल्कुल दिव्य प्रकाश युक्त रहे। तो राधा रानी का नाम श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं हे देवी। देवी का अर्थ एक यह भी है श्री कृष्ण प्रेयसी भवती, आप कृष्ण की प्रेयसी हैं।
अर्थात भगवान श्री कृष्ण सारे संसार में खोज चुके, राधा रानी जैसा कोई मिला नहीं। हम किसकी आराधना करें, भगवान भी सोचते हैं बोलते हैं। जब श्री वृंदावन धाम में रास किए थे तो रास करने के बाद अनंत कोटि ब्रज वधुओं के बीच में प्रिया जी को लेकर के ठाकुर जी ने सेवा की। अनया राजितो नून, नूनम का अर्थ होता है निश्चित ही, अनया आराधिता माने श्री कृष्ण के द्वारा जो आराधित हुई है उसका नाम है राधा। भगवान श्री हरि राधा रानी की आराधना करते हैं। तो जिस समय से प्रिया जी की आराधना किए तो आराधना करने के बाद श्याम सुंदर खोजने लगे कि इनसे भी श्रेष्ठ कोई है क्या, राधा रानी से भी कोई श्रेष्ठ है। इसी को खोजने के लिए मथुरा चले गए। मथुरा में राज रानियां बहुत हैं लेकिन वहां भी उनको कोई मिला। फिर द्वारिका चले गए ठाकुर जी केवल खोजने के लिए, राधा रानी से तो वहाँ भी नहीं मिला। तब पता चला कि एक भौमासुर है, देव कन्या, यक्ष कन्या, गंधर्व कन्या, स्वर्ग की अप्सरा, मनुष्य की लड़, सबको इकट्ठा करके रखा, उसमें खोज ले कोई मिले 16,000। लेकिन वहाँ भी प्रिया जी श्याम सुंदर लायक कोई मिला। तो सारा संसार को छान करके प्रिया जी की शरण में आए हैं श्याम सुंदर। इसीलिए हम कहें रघुनाथ दास जी देवी श्री कृष्ण से प्रेयसी भगवती। ये राधा रानी कौन है तो श्री कृष्ण की प्रेयसी, परम प्रेष्टा। राधा रानी जितना श्री कृष्ण से प्यार करती हैं उतना कोई नहीं करता, और श्री कृष्ण भी जितना राधा रानी से प्यार करते हैं उतना और किसी को नहीं। इसलिए यहाँ पर देवी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी लिखे हैं श्री कृष्ण से प्रेयसी भगवती। तो प्रिया जी मणिमय बेदी पर बैठी हैं, सखियां पान तांबूल सेवा की, तांबूल सेवा के बाद ललिताम प्रमोदताम की, सखियों में जो प्रमुख सखी है ललिता, ललिता सखी, ललिता सखी जुगल की आराधना में रहती है। प्रियालाल दोनों को तो प्रमोदत किमु, बहुत प्रेम से प्रसन्न होकर के आरती करती। आराती केड, आरती क्या है, आरती कहते हैं संस्कृत में दुख, आरती में पड़ गया, कष्ट में पड़ गया। आरती रोज शाम सुबह हम लोग करते हैं ठाकुर जी को, तो इसलिए करते हैं कि भगवान का दुख हम ले। आरती का मतलब सब भक्तों को दिखाया जाता है कि मैं ठाकुर जी का दुख लेता हूँ, ऐसे करते हैं लोग, ऐसे हमको माने ठाकुर जी का कष्ट हम ले, आरती को ले। सखियां रोज प्रियालाल को आरती करती है, आरती करते समय यही भावना रहता है कि प्रियालाल को सब लोग दर्शन करते हैं सुबह से शाम तक, सब लोग नजर लगाते हैं तो उनका नजर हम ले। अभी भी माँ बच्चे को खूब सुंदर स्नान कराती है, श्रृंगार करती है, ठिठौना देती है कि किसी का नजर न लगे, और इसके बाद आरती करती है। इधर नहीं लोग करते हैं ना, संध्या समय जब दीपक जलता था, पहले लोग स्त्रियां दीपक जलाती थी संध्या के समय में, तो अपने बच्चे को ऐसे ऐसे करते, धीरे धीरे परिपाटी चला जाए, माने कि अपने बच्चे का जो आरती है दुख है उसका मैं हरण कर लू, नजर उतार। तो सखियां भी निकुंज में, निकुंज महल में प्रियालाल को स्वर्ण वेदी पर बैठा करके बड़ा उत्साह के साथ प्रिया जी के श्याम सुंदर के दुख को हरण करती, आरती करती, आरती हरण आरती। तो कहते हैं निर्मन छैत्वा पितरा कन्या लयस्य सख्यो, आरती समय गान किया जाता है, पद गान करते हैं। प्रियालाल का नित्य विहार चलता रहे और बलैया लेती है कि पर कोई नजर न लग जाए, ये देखिए प्यार है। नव मंगल गान पुष्पई, इसके बाद आरती के बाद जल से भी जल करते हैं, पुष्प से, वस्त्र से, चावल से, ये सब केवल कष्ट हरने के लिए, दुख हरने के लिए। एक आदमी को मैं कहा कि भगवान का दुख लिया जाता है, कहा तब तो मैं आरती मंगा, हम अपना दुख देते
हम तो जानता था कि आरती लेने से मेरा दुख जाएगा। ये तो हम ही ना भगवान का एक प्रेम में यहाँ केवल देना ही देना है, लेना नहीं। प्रेम इसी को कहते हैं कि हम भगवान के अलाय बलाय को खाते हमारे प्यार लाल प्यारे लाल बहुत प्रसन्न रहे। आप भगवान पर जितना विपत्ति है उतना तो किसी पर विपत्ति नहीं, कितना कष्ट है ठाकुर जी। ठाकुर जी पर यदि भक्त लोग कृपा नहीं करे तो भगवान बेचारा क्या करे। तो भगवान के पास कितना कष्ट है देखिए, जितना कष्ट श्री कृष्ण को है उतना कष्ट किसी को नहीं। आप लोग विचार लीजिए अपने इतिहास, उनके ठाकुर जी जन्म लिए कहाँ, पता है ना आप लोग कितना कष्ट है। जन्म से पहले अपने माता पिता का हथकड़ी लगा हुआ है, जेल में बंद है, कितना बड़ा कष्ट है प्यारे। उनका आरती भक्त यदि उतारे नहीं तो उनका आरती दूर होगा। भगवान कहते हैं जो हमारा दुख हरण करेगा उसका दुख मैं हरण। तो भगवान जब जगत में आते हैं तो बड़ा भारी विपत्ति को लेकर आते हैं। श्री कृष्ण की देखिए, मैं सब भगवान का दिखाऊंगा कितना बड़ा बड़ा विपत्ति। राम का विपत्ति देखिए, श्री कृष्ण की विपत्ति देखिए। आरती प्रियालाल अभी गोविंद लीलामृत में एक श्लोक उद्धृत किया गया है, कृष्ण के पास कितनी विपत्तियां और कृष्ण से भी अधिक विपत्ति ब्रजरानी राधारानी। राधारानी जिसके पास जितना अधिक कष्ट जितना दुख हो उतना बड़ा है। कष्ट सहने की यदि ताकत नहीं रहे तो भगवान कैसा। भगवान तो वही है जो सारी विपत्ति को खा जाए कष्ट से। कृष्ण का विपत्ति जन्म कहाँ हुआ, कृष्ण का जेल में, माँ पिता भयंकर कष्ट जेल में, कृष्ण को चोरी से ले जाना गोकुल में। भगवान भी सोचे कि चलिए जेल में से निकलूंगा तो कुछ आराम मिलेगा, लेकिन छठी रात में राक्षसी आई, अपने काल को विष पीना पड़ा था। भगवान का स्वभाव है क्या करे बेचारे। भगवान मन में विचार करने लगे छठी रात को ही खलाल विष को पान करना पड़े। भगवान मन में सोचने लगे सब भक्त लोग हमको माखन मिश्री मलाई खिलाते हैं, लेकिन ये राक्षसी के पास विष ही है, विष ही देने के लिए आई है। हम तो भगवान हैं। भगवान कहते हैं कोई भी यदि हमको अर्पण करता है उसे मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ। तो विष यदि भगवान उस विष का पान किया, अनादर नहीं किए कि हम नहीं पिए, ऐसा नहीं विष पिए भगवान। अब विष पीने के बाद भगवान मन में विचार करें कि मैं इसको आखिर दूँ क्या, बेचारे जिसके पास जो है वही तो देगा, ये विष दी है। तो भगवान विचार किए क्या इसको। सुखदेव जी कहते हैं ऐसा दयालु कोई है, कोवा भगवान जैसा कोई है क्या दयालु। कम वा दयालु शरणम ब्रह्मपन्ना, कौन ऐसा जगत में दयालु है जो अपने अस्तन में कालकूट विष लपेट कर वो भी मारने की नियत से आई थी पुतना। अब भगवान ने उसको वह गति दी जो मैया यशोदा को मिली, धातुम गति मातृ गति दी। ऐसी कौन प्रभु की रीत, विरद हेतु पुनीत परिहरि पाम रन सो प्रीत। मारन आई पूतना कुछ काल कूट लगाए, अब मातु की गति दी कृपाल जाद हो रहा। ऐसा कृपाल कोई है क्या। इससे एक महात्मा कहते थे अरे देखो तुम लोग तो रोज मिश्री भोग लगाते हो मक्खन ले रहे, हमारा कन्हैया तो विष देने वालों को भी माता की गति देता है। इसी श्लोक को सुन करके ब्रह्म समाधि में निमग्न सुखदेव जी सब कुछ छोड़ करके दौड़ कर आए, कमवा कमवा कौन है ऐसा दयालु व्यक्ति। तो व्यास के शिष्य पकड़ लिए क्या मैं बताता हूँ कौन है, कमवा दयालु शरणम। तो महाराज प्रसन्न हो गए। अब छठी और देखिए ब्रज में एक दिन भी श्री कृष्ण चैन से नहीं रहे, कितना कष्ट। अन्य जगह तो भगवान अस्त्र शस्त्र का भी प्रयोग करते थे लेकिन ब्रज में कुछ प्रयोग नहीं। देखिए किसी को ओट से मार दिए, किसी को हाथ से मार दिए, किसी को पैर से मार दिए, भगवान कोई आयुक्त नहीं उठाए ब्रज में, क्योंकि ये प्रिया जी का राज है, यहाँ ऐश्वर्य चले गए।
किशोरी जी के राज में सब बड़े बड़े राक्षसों को जितना राम ने मारे, जितना द्वारिका में मथुरा में भगवान श्री कृष्ण ने राक्षसों का उद्धार, उससे अधिक व्रज में उद्धार किए हैं। बड़े बड़े प्रतापशाली राजाओं राक्षसों का वध किए, लेकिन किसी को किसी अस्त्र शस्त्र से, माने श्री कृष्ण 11 वर्ष तक ब्रज में ब्रजमंडल में रहे, कहीं चैन का दिन सोए नहीं। कितना कष्ट और कितनी इधर लीला और मधुर रस की जितनी लीला 11 वर्ष में करते हुए चाहिए। दिन में तो गैया के साथ हियो 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 करते घूमे राक्षसों पर भी में, जितना बाल बाल था ये भी बहुत बदमाश थे, भी अच्छे नहीं थे। वो कहते थे लला हम तुम्हारे साथ रह रहे हैं, कुछ तो खिलाता नहीं, क्या खिलाएगा, तो भगवान चोरी से उनको खिलाना पड़ता था, पिटाई खाना पड़ता था, कहीं पकड़ में आ जाए तो पिटाई भी लगता था। भगवान चोरी कर करके ग्वाल बाल को खिलाते थे। पहले तो चोरी करना छोड़ दिए थे कि अब चोरी नहीं करेंगे, बहुत पिटाई खाना पड़ता है, कुछ परिश्रम करके बालकों को खिलाओ, कैसे परिश्रम करूँ, तो चलो नाच नाच करके नाचूंगा, नाच करके तो थोड़ा थोड़ा गोपियाँ मक्खन देती थी, देने के पहले कहती थी ऐसे थोड़े, गाय चराने में मक्खन में कितना मेहनत है तुझको पता है, और थोड़ा सा मक्खन निकलता है उस मक्खन को तुम मांग लेते हो, ऐसे देखो तो एड़ी से चोटी तक कन्हैया को नचवाती थी। नाचने में कितना परिश्रम होता है नाचने वाला जानता है, कितना मेहनत होता है नाचने में। और श्री कृष्ण नाचते थिरक थिरक करके नाचते, तो गोपी कहती थी इतना में थोड़े मिलेगा और थोड़ा नाच छछिया पर छाछ पर नाच लेता, छाछ पर हमारा कन्हैया को नाचना पड़ता इतना। यदि ये सब दुख दर्द करते हैं भक्त ठाकुर का एक कष्ट, निकुंज का दुख देखिए, हमारे प्रिया जी का दुख देखिए आप। प्रिया जी नित्य प्यारे श्याम सुंदर को छोड़कर एक सेकंड भी दूर नहीं रहना चाहते, लेकिन कितना बड़ा कष्ट है। गोविंद लीला मृत में लिखा गया है राधा रानी की जो ननद थी बड़ा दुखदायी थी। ननद का नाम क्या है जाते हैं ना, कुटिला नाम, कुटिला टेढ़ी है, 2400 घंटा राधा रानी पर दृष्टि। राधा रानी कहती है देखो मैं कैसे अपने प्रियतम से मिलूं, ननद मेरे प्रति हमेशा द्वेष रखती है, और पति बड़ा भारी कटुभाषी है। राधा रानी का पति कौन है, अभिनंदु घोष। वो राधा रानी उससे जब मिलता है तो टेढ़ा भी बोलता है, प्रिया जी को कष्ट देता है, सांस तो सांस नहीं लेने देती, जटिला जो है ऐसी सांस मिल गई राधा रानी। ये जगत को सिखला रही है, अरे तुम लोग थोड़े थोड़े विपत्ति में क्यों रो देता, देखो मैं कितनी विपत्ति देता। प्रिया जी पे सिखला, श्री कृष्ण का भगवान का अवतार भोग के लिए नहीं होता, जगत को शिक्षा देने के लिए आता है, तुम लोग थोड़े थोड़े दोष में रो लेते हो, देखो यार हम कितने कष्ट सहते हैं, फिर भी हंसते हैं नाचते हैं, अपने मुंह पर कभी मलान नहीं करते, प्रसन्न रहते। कितना भी भयंकर दुखी हो श्री कृष्ण को कोई देख ले तो खुश हो जाता है, क्योंकि हमारे कन्हैया हमेशा उस मंद मंद मुस्कुराते रहता है, अपने दुख को गम को छिपाए रहता है। एक आचार्य कहते हैं कि दुख को नहीं बांटना चाहिए, यदि दो मित्र एक साथ मिले तो अपना दुख का पोटली खोल दिया, ऐसा कभी नहीं करते। अरे यार बांटना है तो सुख बांटो, दुख क्यों बांट रहे हैं। तो हमारे कन्हैया के पास है कष्ट, लेकिन किसी को कहता है, पति है कटुभाषिणी राधा रानी का, और सास है कि प्रिया जी को सांस भी नहीं लेने देती। नंदा विद्वेष्टि पति रति कटु साप कुटिला, सास है कुटिल टेढ़ी भाव से युक्त है। और राधा रानी के शत्रु कौन है जानते हैं, राधा रानी की पद्मा नायिका, पद्मा है ना, चंद्रावली की पक्ष की नायिका पद्मा, वो किसी तरह पद्मा चाहती है कि प्यारे श्याम सुंदर से कहीं से पकड़ करके चंद्रावली निकाल सके, ये शत्रु है राधा रानी का, हमारा बड़ा भारी शत्रु है पद्मा। घावंबा में पद्म मा प्रति रिपु पक्ष बलवान, हमारा रिपु पक्ष बलवान है राधा रानी का, घर के लोग विरोधी हैं तो छोड़ो, बाहर भी निकलती हूँ तो वहां भी हमारे शत्रु लगे हुए।
और वनम व्याप्तम सर्वम धन जने रहिनी सखी। अब वन में भी जिस दिन में अपने प्यारे के साथ जाती हूँ निकल मिलने के लिए, तो वनम व्याप्तम सर्वम, ये वन पूरा ब्रजवासियों से भरा पड़ा है, ग्वाल वालों से, दारू राजा से, गैया से, पूरा व्याप्त है चारों तरफ है। और श्री कृष्ण भी हमेशा सखाओं के साथ रहते हैं। श्री कृष्ण किसके साथ रहते हैं? अपने सखा मित्रों के साथ रहते हैं। अतएव ऐसे अनेक विघ्न के होते हुए मुझे कृष्ण से कैसे मिलन? इतना भयंकर, इतना चारों तरफ विपत्ति है, फिर भी वृतो कृष्ण लभ्य कथमीय भवेत विघ्न बहुले। इतना विघ्न समूह के साथ कैसे मिलन होगा? राधा रानी कह रही है, प्रिया जी का एक लक्ष्य है प्यारे श्याम सुंदर से मिलन नित्य है, लेकिन प्रिया जी जान करके दूर रहती, परकीय नायिका बन करके प्रेम में उत्कर्ष बढ़ाने के लिए ये लीला हो रहा है। तो इतना विघ्न बाधा के बाद हमको मिलना है प्रिया जी से। उधर प्यारे श्याम सुंदर भी किसको किसको ठगे, वो भी तो मिलते हैं प्रिया जी से, तो ठगना पड़ता है। दाऊ दादा कहते हैं कि दाऊ दादा मैं थोड़ा काम करके आ रहा हूँ, आप थोड़ा गई, बाल बालकों को भी ठगना है। दोनों सखियां किधर है मिलना, कई पद्मा है। श्री कृष्ण का भी भयंकर विरह, श्री कृष्ण के विरह को समन कौन करता है? मधुमंगल, मधुमंगल प्रिय नर्म सखा है, भगवान बड़े सखा है लेकिन प्रिय नर्म सखा है मधुमंगल। विदग्ध माधव नाटक के छठवां अंक में एक बार मधुमंगल कहता है श्री कृष्ण से, श्री कृष्ण प्रिया जी के विरह में तड़प रहा है, लग रहा है कि भगवान अब क्या करें, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। मधुमंगल श्री कृष्ण के दुख को देख करके दुखित हो जाता है, अब श्री कृष्ण के दुख को कैसे दूर किया है? अब वो भी बहुत प्रयत्न करता राधा रानी को किसी तरह भोज लाया जाए। ये भी प्रिया जी के विरह में श्याम सुंदर बड़े कष्ट में है, तो मधुमंगल को कुछ समझ में नहीं आया कि इस भयंकर विरह के ताप को मैं कैसे शांत करूं। तो मधुमंगल को एक बुझ है, सूझी है क्या करूं, तो बड़ा सुंदर ताल पत्र पर राधा 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 लेकर के प्यारे श्याम सुंदर को दिया। ओ उसको लेकर के ऐसा लगा कि साक्षात प्रिया जी, उनकी सारा विरह शांत। राधा रस सुधा निधि में आचार्य चरण कहते हैं, राधा नाम सुधा रसम रसयतुं जिह्वास्तु मे विह्वला। राधा नाम सुधा रसम रसयतुं मे जिह्वास्तु विह्वला। जी राधा रानी और श्री राधा रानी का नाम, श्री कृष्ण का प्राण का आधार क्या है? राधा नाम। राधा नाम के अतिरिक्त यदि राधा नाम नहीं रहता तो श्री कृष्ण बेचारे परेशान मर जाते। परम धन राधा नाम आधार, जय श्याम मुरली में टेरत सुमिरत बारंबार। वेद मंत्र और मंत्र तंत्र में यही कियो निर्धार। ब्रजवासी लोग एक पद करते हैं ना, यदि राधा नाम न हो तो रसराज बेचारो रो तो। राधा नाम यदि नहीं रहता तो प्यारे श्याम सुंदर के पास तो बचने का कोई आधार नहीं रहता। प्रिया जी का नाम नामी में भेद का अभाव है, तो प्रिया जी के विरह में प्यारे श्याम सुंदर राधा ऐसे कहते ही महाराज उनको संभव सुख नहीं रहता, प्रिया जी का मिलन का सुख। वही आचार्य चरण कहते हैं, राधा नाम सुधा रसम रसयितुं जिह्वास्तु मे विह्वला। मे जिह्वा राधा नाम रसम रसयितुं विह्वला अस्तु, विह्वल हो जाता है राधा। देखिए ये कृष्ण नाम और राधा नाम की महिमा है प्यारी, प्रिया जी के लिए राधा कृष्ण नाम आधार है और राधा रानी के लिए कृष्ण नाम।
पादौ तत्पद पंकिता सुचरता वृंदाटवी भीतिषु। मैं पादौ, हमारा जो पैर है ये तत्पद अंकिता सुचरता वृंदाटवी सुभीतिषु। ये वृंदावन के जो जंगल हैं, लता पता हैं, जहाँ के प्रत्येक लता पता को प्रिया जी अपने हाथ से संवारती हैं, वृंदावन के प्रत्येक रजकण में प्रिया जी का रजकण लगा हुआ है, तो हमारा मन वृंदा टवी को छोड़कर अन्यत्र कहीं मन नहीं लगता। हमारा पैर का यही साध है किसी तरह प्रिया जी के उस लीला भूमि में लग जाए। यही मेरा मन कहे पाद तत्पद पंकिता सुचरता वृंदा टवी विधि सु। वृंदा टवी विधि, वृंदावन के जंगल के विधियों में हमारा पैर हमेशा लड़खड़ाए। इसीलिए जब भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए उद्धव जी से, तो उद्धव जी से कहे कि तुम्हारी जो इच्छा है वो मांग। तो उद्धव जी कहे कि प्रभु, यदि आप सचमुच मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझको पेड़ बना। कहे ना, क्यों कि आदमी यदि बन करके ब्रज में बन जाऊं तो मन कर देगा कि कहीं चलो एक बार पलवल घूम लो, दिल्ली घूम लो, आगरा। तो हमारे पैर को गाड़ दीजिए, जमीन पेड़ बना दीजिए, मैंने पैर को गाड़ दीजिए, हमको मेरा पैर ब्रज को छोड़कर बाहर ना जाए। पेड़ बनने का आशा यही, इतना इतना पैर गड़ा रहता है ना पेड़ों का, कि जितने वृक्ष और साधु लोग भले भग जाए भागवत निवास को छोड़ दें, लेकिन यहाँ का वृक्ष पकड़ा हुआ है। असली ब्रजवासी तो ये महात्मा तो इधर उधर भाग जाता है। इसीलिए कौन उत्तम है, आशा मो चरण रे रुजु श्याम श्याम। हमारा यही आशा है, वृंदावन के लता पता बना दो, पेड़ पौधा बना दो, हमको बांध दो, यहाँ से जाने मत। तो इसी तरह यहाँ पर आचार्य चरण कह रहे हैं कि मेरा पैर बस पादौ तत्पद पंकिता सुचरता। चलने की यदि इच्छा हो तो वृंदा टवी में ही चल, और यदि मैं कर, यदि हमारे हाथ की कुछ इच्छा हो तो तत्कर्मैक करह करो तो हृदयम। हमारा हाथ कर प्रिया जी की सेवा करो। प्रिया जी की सेवा जानते हैं क्या, झाड़ू लगाना, वृक्षों में जल डाल देना, लता पता की प्रिया जी की सेवा, असली सेवा। वृंदावन में जितने भी बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष आए, तुम्हारा रज रानी की सेवा सबसे ऊंची सेवा है। इसीलिए आज भी हरिदास संप्रदाय में सबसे अच्छी सेवा है, यदि कोई महात्मा दीक्षा लेता है तो माला की जगह सोहनी दे देते हैं, झाड़ू लगा विधि बन सेवा करो, तो सेवा करो, ये ऊंची सेवा है। वृंदा टवी तत्कर्मै व करह करो, हमारा हृदय क्या करे तो तस्या पदम ध्यायता। प्रिया जी के चरण कमल का ध्यान, प्रिया जी के चरण कमल को पकड़ करके प्यारे श्याम सुंदर अपने नेत्र के आंसू सूखते थे, उसी चरण का हम ध्यान करें। तद्भावोत्सवतः परम भवतु मे तत्प्राणनाथे रति। इसके बाद हमारा रति कहाँ हो, हमारा प्रीति कौन हो, तो तत्प्राणनाथे रति, तत्प्राणनाथे वो उस श्री कृष्ण की हम आराधना करें जो प्रिया जी के नाथ हैं। प्रिया जी अर्थात प्रिया जी के नाथ, अर्थात प्रिया जी जिनके नाथ हैं, प्रिया जी जिनके मालिक हैं, वैसे प्यारे श्याम सुंदर की मैं हमारा रति हो। तद भावोत्सव परम भव तुम्हें तत्प्राण नाथ है, ऐसी नाथ ऐसी सेवा में। इस प्रकार सखी मंजरियां प्रिया जी को राधा माधव निवृत्त निकुंज में मणिमय सिंहासन पर बैठा कर ललिता जी सखियां बहुत प्यार से आनंद के साथ ललिता प्रमोदा बड़ा प्यार से आरती कर रहे। प्रिया जी और श्याम सुंदर जो कष्ट में है, कन्हैया कष्ट में है ना, सुबह से साथ रात में कष्ट, दिन में कष्ट, भगवान का सबसे बड़ा कष्ट क्या है, भक्तों से दूर रहना।
है ना। इंद्र पर भगवान नाराज नहीं, और नाराज किस पर होगा? ब्रह्मा। ताकि बहुत बड़ा गलती किया था इंद्र, ब्रह्मा उतना नहीं, पर ब्रह्मा तो हरण कर लिया था और पूरा ब्रज को सत्यानाश करने को लग गया था, लेकिन उस सत्यानाश करने में बड़ी भारी सेवा हो गई, बहुत विशाल सेवा हो गए था इंद्र की तरफ, जिस सेवा के लिए सखी मंजरियां छटपटाती रहती है कि प्रियालाल को थोड़ा एक सेकेंड के लिए मिला है, और उसके लिए कितना बड़ा भारी विघ्न बाधा का सामना करना पड़ता है। और इंद्र पूरे ब्रजमंडल को नाश के निमित्त से अपना पूरे भंडार का जल छोड़ दिया था ब्रजमंडल को, भागवत में लिखा थोड़ा थोड़ा हाथी के सूंड के समान जल की धारा गिरती थी पूरे ब्रजमंडल को, लेकिन एक बहुत विशाल सेवा उसके द्वारा हो कि 7 दिन 7 रात तक प्यारे श्याम सुंदर प्रिया जी को दर्शन करते, पूरा ग्वाल बालों का साथ, भगवान को सबसे ज्यादा अच्छा लगता है भक्तों के साथ रहना, ये कृष्ण का पहचान है, कृष्ण अकेले नहीं रहना चाहते, हमेशा भक्तों के साथ, ललिता जी सखियों के साथ, भक्तों के साथ ये भगवान आए। इस प्रकार ये ब्रह्मा जी से सेवा हुआ, अरे ये इनसे सेवा हो किससे? इंद्र। तो इंद्र बचर स्थान तो भागवत में देखे होंगे, 7 श्लोक में स्तुति किया है, ठाकुर जी खुश होकर के कहे चलो जाओ जाओ जाओ, तुम अपना ब्रह्मा जी का नहीं हो, ब्रह्मा जी का 40 श्लोक में तो स्तुति किए, लेकिन भगवान उस स्तुति को सुने। 12 पुराण में लिखा गया है कि इतना ब्रह्मा जी स्तुति किए सुने नहीं, और फिर ब्रह्मा जी चक्कर में पड़े कि अपराध का समन कैसा होगा, तो जिन ब्रजवासियों को चुराया हूँ यही ब्रजवासी जब मुझको लात लात मारेंगे पैर से पीटेंगे तभी हमारा अपराध दूर। तो तस्मात ब्रह्मा पर्वतोभूत वृषभानु पुरस्कृत, अपने अपराध को क्षमा करने के लिए ब्रह्मा पर्वत बन गया है ना, वृषभानु पर्वत जो है बरसाना का वो ब्रह्मा जी, उनका एक ही लक्ष्य है कि सब ब्रजवासी मुझे पैर से मारे लात मारे, इसीलिए गिरिराज जी का परिक्रमा बाहर बाहर से जाता है और बरसाना का परिक्रमा कैसे जाता है, बीच पहाड़ पर जाता है छाती पर लात मारते ब्रजवासी को। ब्रह्मा जी का अपराध समन इतना भयंकर अपराध हो गया था, भगवान अपने भक्तों को दूर कर दूर के लिए थे, काम तो बहुत बड़ा हो गया था। ललित माधव नाटक में श्री रूप गोस्वामी बात किए हैं, कुछ भी हो ब्रह्मा से बहुत बड़ा सेवा होता है।